ऑल राइट, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करेंगे जी, बिफोर लीविंग फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़। दो चीज़ें लाजमी आप ध्यान में रखें, जो कि हमें तो नहीं पता था और ना किसी ने बताया था, तो इसलिए हमें काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ये परेशानी हो। जब मैं पाकिस्तान से आया इधर, तो इधर यूनिवर्सिटीज़ की एक्चुअली ये यूनिवर्सिटीज़ की ये ऑप्शन अवेलेबल होती है कि अगर आप चाहें तो वो एक ट्यूटर आपको असाइन कर देते हैं, और वो ट्यूटर फिर आपके लिए एयरपोर्ट तक आता है और फिर आपको रिसीव करता है एयरपोर्ट से। और अगर आपने अपार्टमेंट ले लिया है तो वो अपार्टमेंट की कीज़ भी आपके बिहाफ़ पे जो स्टूडेंट हाउसिंग है उससे पिक कर लेगा। ये यूजली डिपेंड करता है, क्योंकि हम ज़्यादातर फ़्लाइट्स जो है वो वीकेंड्स पे लेते हैं, तो वीकेंड्स पे स्टूडेंट हाउसिंग जो है वो क्लोज़ होती है। तो अगर आपको ट्यूटर असाइन हो गया है तो उसका एक ऑप्शन आपके पास फ़ायदा ये होगा कि वो ट्यूटर आपके बिहाफ़ पे कीज़ पिक कर लेगा। उसके अलावा आप किसी भी पाकिस्तानी दोस्त को ये अथॉरिटी लेटर दे सकते हैं कि आपके बिहाफ़ पे स्टूडेंट हाउसिंग की कीज़ आपसे पिक कर ले, और फिर लेट्स अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो वो आपको फिर वो कीज़ दे दे। अच्छा, तो हम यानी कि मैं, अच्छा मैंने ये ऑप्शन चूज़ की थी कि मैंने ट्यूटर के लिए साइन अप किया, और तो ट्यूटर एक्चुअली जो थी फीमेल थी, और मेरे ख़्याल से इनको दारू शारू पीने के लिए ना पैसों की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो एक तो ये कि वो मुझे रिसीव करने आई एयरपोर्ट के ऊपर ना, तो और लोकल गाड़ी में आई रिसीव करने के लिए। और यूजुअली ट्यूटर्स को आई गेस यूनिवर्सिटी पे करती है कि आप जब आप स्टूडेंट को ले कर आते हैं एयरपोर्ट से, तो यूनिवर्सिटी ट्यूटर को भी पे करती है, और स्टूडेंट के लिए जो आप टिकट लेते हैं आई गेस यूनिवर्सिटी उसके लिए भी पे करती है। लेकिन सीन ये हुआ कि ट्यूटर ने मुझे कहा कि भाई तुम पे करो ना, मेरे लिए भी वापसी का टिकट और अपने लिए भी। तो मैंने टिकट पे कर दिया, इट वाज अराउंड 10 यूरोस फॉर बोथ ऑफ अस। तो उधर जाके उसने मेरे से वो रसीद जो थी वो ले ली, एंड देन आई डिडंट हर्ड बैक फ्रॉम हर। तो मेरे ख्याल से 10 यूरो मेरे खा गई, बट एनी वेज जस्ट बता रहा हूँ कि दिस कुड ऑल्सो हैपन टू यू। सो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये कि ट्यूटर के लिए साइन अप ना करें। स्टार्ट में बंदा जो है वो थोड़ा ये होता है कि भाई बाहर आए हैं और ट्यूटर आ रही है, और फिर थोड़ा एक वो होता है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब आप किसी भी कंट्री में जाएं स्टडीज़ के लिए, तो जैसे कि आप फेसबुक पे आपने देखे होंगे कि ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप ज्वाइन करें और उसमें किसी भी पाकिस्तानी को रिक्वेस्ट करें, यूजली जो पाकिस्तानी हैं। अच्छा, मैं ये भी बताऊं कि जब वो ट्यूटर आई थी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था, और उसने बिल्कुल हेल्प नहीं की मेरी, तो सारा सामान मुझे खुद ही घसीटना पड़ा। और था भी बिल्कुल रेनी डे था, और बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी, तो काफ़ी ख्वारी हुई थी मुझे। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप जाएँ स्टडीज़ के लिए तो ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लें, और उसमें से किसी भी पाकिस्तानी दोस्त को उधर रिक्वेस्ट कर दें, पोस्ट कर दें कि भाई इस तरह मैं इस डेट को आ रहा हूँ। तो अगर किसी भाई के पास गाड़ी है, यूजुअली ऑलमोस्ट 80% लोगों के पास गाड़ी होती है, तो वो टाइम निकाल के आपको एयरपोर्ट से पिक करके तो आपको यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे। और फिर कीज़ के लिए ये है कि आप किसी भी पाकिस्तानी भाई को रिक्वेस्ट कर दें कि मैं आपको अथॉरिटी लेटर लिख देता हूँ, आप मेरे बिहाफ़ पे कीज़ पिक कर लें। उसमें ये होता है कि अगर आप वीकेंड पर आते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, किसी की तरफ स्टे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि अपने आने का बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा आपको एयरपोर्ट से स्टूडेंट हाउसिंग तक, और दूसरा स्टूडेंट हाउसिंग डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की ली है। अगर आपने अनफर्निश्ड ली है, जो कि मोस्टली हम लोग लेते हैं, क्योंकि फर्निश्ड जो हाउसेज हैं या जो रूम्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए यूजली सारे अनफर्निश्ड ही लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उसमें कुछ भी नहीं होता, बस प्लेन आपका एक फ़र्श होता है। तो हम लोगों से गलती ये भी हुई थी, और किसी ने हेल्प भी नहीं की थी हमारी स्टार्ट में, शायद उस वक्त इतना ट्रेंड नहीं था दूसरों की हेल्प करने का। तो उसमें ये था कि हम लोगों ने, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना मैट्रेस था, ना ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ था, ना नीचे बिछाने के लिए कुछ था। तो मुझे याद है कि मैं और जो मेरा दोस्त था, हम लोग रूम शेयर कर रहे थे, तो हम लोगों ने तकरीबन 2-3 दिन इसी तरह गुजारे थे प्लेन फर्श के ऊपर। हमारे पास जो अपना बैकपैक था वो एज आ हम लोग सर के नीचे रख लेते थे। तो 2-3 दिन के बाद हम लोगों ने कहीं ना कहीं से अरेंज करके तो अपने लिए मैट्रेस भी लेके आए, और फिर ऊपर ओढ़ने के लिए
रज़ाई वगैरह का भी बंदोबस्त किया। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी भी पाकिस्तानी भाई से रिक्वेस्ट कर दें। रिक्वेस्ट आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा नहीं ख्याल एक दफ़ा कहने पे कोई हेल्प करेगा। यूजुअली लोग बिज़ी होते हैं, इसलिए इंसान ये समझता है कि शायद वो अगला बंदा जो है वो रूड हो, लेकिन यूजुअली लोग बिज़ी होते हैं, इसलिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी किसी से कि अगर आपके आने से पहले। यूजुअली ये होता है कि जब आप आते हैं तो यू कैन ईज़िली फाइंड आइटम्स। एक उसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि जिस तरह ये डंप साइट्स होती हैं ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये डंप साइट है और उसके साथ कुछ फर्नीचर पड़ा है जो कि लोग फेंक के चले जाते हैं। यूजुअली ये होता है कि स्टूडेंट्स जाने से पहले जो कि एक्सचेंज पे आए होते हैं वो इस तरह की चीज़ें फेंक के चले जाते हैं। तो इफ़ यू आर लकी और उस मेक श्योर के उन चीज़ों में बेड बग्स ना हो, जो कि हमारे साथ एक सिस्टम एक दफ़ा हुआ था, तो वो भी मैं आपसे स्टोरी शेयर करूँगा बेड बग्स वाली। बट एनीवेज कोशिश करें कि सामान आप जब पिक करें तो उसको देखें कि उसके अंदर बेड बग्स वगैरह ना हो। यूजली अगर उनके उसके अंदर बेड बग्स हों तो एक तो या तो वो कवर्ड होंगे प्लास्टिक रैप के अंदर, नहीं तो फिर किसी ने ऊपर लेबल लिख के लगाया होगा कि इसके अंदर बेड बग्स हैं, इसको आप ना यूज़ करें। पर ये है कि इस तरह की प्लेसेस पे जहाँ पे डंप साइट्स होती हैं आपको बेड वगैरह अच्छे भी मिल जाते हैं, और उसके अलावा ये है कि जो सेकंड हैंड शॉप्स होती हैं वहाँ से आपको बेड मिल जाएगा आराम से 20-25-30 यूरो का, तो वहाँ से भी आप लेके आ सकते हैं। दो चार दोस्त मिल के आप चले जाएँ, शॉपिंग कर लें, और क्योंकि एक दफ़ा ही आपने अगर डिलीवरी करेंगे तो आपको कम पड़ जाएगी। एक ही दफ़ा वैन बुक करके आप लेके जाएँ और एक एक बेड अपने लिए उठा के लिए आएँ, तो वो उसमें आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखें। अक्सर ये होता है कि हम लोग ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं और इधर आके फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें फेसबुक पे या इस तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर दोस्त बनाने की कोशिश करें जो कि आपको पिक करें, और फिर आपके लिए आने से पहले आपकी कीज़ वगैरह भी पिक कर लें, और फर्नीचर का भी अगर कोई बंदोबस्त हो सकता है तो वो भी कर लें। उम्मीद है ये दो चार जो चीज़ें मैंने भी आपसे इस वीडियो में शेयर की हैं तो विल बी क्वाइट हेल्पफुल। हमें तो नहीं पता था लेकिन अब आपको पता है, तो इसके बाद भी अगर आपके साथ इस तरह का कुछ होता है तो फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।